ब्लॉग चैनल इफ यू सी माय फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन आई एम जया एंड माय चैनल नेम इज जया डायरीज। वेल आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने होममेड कंडीशनर एंड हेयर मास्क बनाया था वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसका एक्सपीरियंस कैसा था, अच्छा था या बुरा था, कैसा रहा मेरे बालों पे एंड उसका मेरे बालों पे रिजल्ट कैसा था, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि मैंने वो किस चीज़ से बनाया था, कंडीशनर एंड हेयर मास्क। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज, ये है मेथी दाना, इसको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। ज़्यादा भीग गया था मेरे से, तो मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कितना भिगोना है और कितना मेरे बालों में लगेगा, तो मैंने ये ज़्यादा भिगो दिया था। रात भर मैंने इसको रखा, फिर सुबह मॉर्निंग में इसका जो पानी था बालों के लिए एक सीरम का काम करता है, तो वो एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर लिया एंड उसको मैंने बालों में स्प्रे करने के लिए रखा था। 5 to 6 days हम इसको रख सकते हैं, अगर आपको ये लगाना है, यूज़ करना है, आपको ये दोबारा से बनाना पड़ेगा आफ्टर 6-5 days। ओके, देन इसके बाद जो मेथी दाना बचा है उसको हम उबाल लेंगे एक बर्तन में। पहले तो हमने उसको भिगोया था रात भर, अब क्या करेंगे, जो पानी था उसका वो हमने अलग कर दिया है। बॉइल करेंगे अच्छे से उसको, जब वो उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ना हो जाए कि वो कंडीशनर के फॉर्म में आ जाए, आप उसको गैस से उतारेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद आपको क्या करना है, इसको छान लेना है, जो भी इसका पानी निकलेगा उबला हुआ वो आपका बन गया है कंडीशनर। 3 चीज़ें बन जाएगी, ठीक है। पहले तो बन गया सिरप, अब बन गया कंडीशनर, थर्ड चीज़ वो है हेयर मास्क। हेयर मास्क कैसे बनेगा, जो ये आपका उबला हुआ मेथी दाना बचा है उसको आप मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, मिक्सी में पीस लेंगे। मिक्सी में अच्छे से पीसना है ताकि वो एकदम बारीक पिस जाए, ठीक है। उसके बाद पिस तो गया, बहुत मशक्कत के बाद वो पिस तो गया, बट मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई इसको बनाने में। बन के वो इतना सारा निकल गया कि बहुत ज़्यादा वो हो गया, पूरा एक बॉक्स बन के निकला वो, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था वो हेयर मास्क। जब वो हेयर मास्क मैंने अप्लाई किया एंड कंडीशनर अप्लाई किया, तो गाइस मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं हेयर कंडीशनर एंड हेयर मास्क अप्लाई करूँगी तो बहुत सही रहेगा, सिल्की शाइन मेरे बाल हो जाएंगे, बाल नहीं टूटेंगे एंड ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे थे कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। सो मैंने जब हेयर वॉश किया, आप खुद ही देख लीजिए, तो कंडीशनर को सबसे पहले मैंने नॉर्मल शैम्पू से, जो मैं हमेशा शैम्पू करती हूँ, मैंने कोई शैम्पू नहीं बनाया, होममेड कोई शैम्पू नहीं बनाया मैंने, जो मैं मैट्रिक्स का शैम्पू यूज़ करती हूँ वही मैंने यूज़ किया है। तो पहले मैंने मैट्रिक्स से वॉश कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने ये कंडीशनर अप्लाई किया एंड ये कंडीशनर देखो कितना मतलब एकदम कंडीशनर की तरह है, शाइनी हो रहा है एंड वो हाथ में ऐसे पूरा स्लिपरी स्लिपरी हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। कंडीशनर मैंने अप्लाई किया, उसको 5 to 6 मिनट मैंने उसको रखा एंड इस तरह से मैंने उसको बन बना के रख लिया। मैंने फिर वॉश कर लिया 5 to 6 मिनट्स के बाद, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद अप्लाई किया ये वाला हेयर मास्क, ठीक है। मुझे इसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि बहुत मज़ा आएगा इसको लगा के, अच्छे बाल हो जाएंगे अब तो मेरे, मतलब ऐसा हो रहा था मुझे। तो मैंने इसको अप्लाई किया, लगाते टाइम तो मतलब ठीक है निकल जाएगा ऐसा हो रहा था, बट जब मैंने लगाया इसको रखा 10-15 मिनट, फिर उसके बाद जो मैं इसको धोने लगी ना, तो भाई साहब ये निकलने को ही राजी हुई, मतलब निकल ही नहीं रहा था मेरे बालों से, कितना जो मेथी दाना था ना वो पीस लिया था, बट जो उसके छिलके थे ना उसी के अंदर, वो छिलके होते हैं मेथी दाने के उबल के जो निकलते हैं छिलके, वो छिलके मेरे बालों में चिपक गए एंड वो छिलके निकल ही नहीं रहे थे। पानी से धो लिया, कुछ भी कर लिया और मैंने ना, मैं आपको इस क्लिप में दिखाऊंगी कि वो धोने के बाद मतलब हेयर मास्क को धोने के बाद वो निकला ही नहीं, और देखो फिर उसके बाद कि मेरे बालों में कैसे दिख रहा था वो धोने के बाद भी, और ऐसे मेरे पूरा घर ऐसे उस मेथी दाने से ना बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि मेरे बालों में से वो गिर रहा था। हेयर वॉश करके आई थी, मैंने टावल से पहुँचा उसके बाद भी वो गिर रहा था एंड हल्के हल्के बाल सूख गए थे, तब वो गिरे जा रहा था मेरे बालों में से, तो बहुत ज़्यादा मैसअप हो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगा इसको लगा के, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ, बहुत ज़्यादा गंदा था कि फिर मैं, मुझे क्या करना पड़ा, मुझे दोबारा से हेयर वॉश करना पड़ा शैम्पू लगा कर, पानी से ये नहीं निकल रहा था, तो गाइस मैंने दोबारा शैम्पू किया, देन उसके बाद वो निकला एंड जब वो निकला नहीं था ना, तब मैं ऐसे मुझे ईचिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा स्कैल्प पे एंड मैं उसको ऐसे उजाल रही हूँ, तो मेरे नेल्स में वो सारे
मेथी दाना आ रहा था जो मैंने हेयर मास्क लगाया था राइट, वो आ रहा था मेरे नेल्स में, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। मैंने सोचा अब मुझे करना चाहिए शैम्पू, मैं और ज़्यादा नहीं रुक सकती, तो मैंने किया शैम्पू। तो अब ये देखो शैम्पू करने के बाद भी मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रही थी ना कि बाल ऐसे 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 हो रहे थे। जैसे मैं एक बात बताती हूँ कि मेरी मम्मी जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी मम्मी ना ऐसे वो जो कपड़े धोने वाले साबुन आते हैं ना उनसे बाल धोती थी, तो उससे ना बाल बहुत ऐसे कड़क टाइप रस्सी टाइप के हो जाते थे, तो उसी टाइप के इससे भी हो गए थे, तो मुझे बहुत इरिटेट कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा सिरम लगा देती हूँ, सिरम लगाया मैं, स्लिक का सिरम था वो मैंने लगाया, और उसके बाद तब जाके ये बाल अच्छे हुए हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया ये हेयर मास्क। हाँ कंडीशनर मैं फिर भी लगा सकती हूँ कि हाँ कंडीशनर बिल्कुल वो लिक्विड फॉर्म में है, उसमें जो मेथी दाना है वो नहीं है, वो साबुत मेथी दाना उसमें नहीं है, बस वो लिक्विड फॉर्म में मैं उसको लगा सकती हूँ। कंडीशनर इज बेस्ट, मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ कंडीशनर को, बट मैं ये हेयर मास्क कतई ही अप्लाई नहीं करूँगी, कतई यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड गाइस ये मेरा एक्सपीरियंस देख के एंड मेरे बालों का हाल देख के आप इसको यूज़ करोगे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना, एंड ये मेरी वीडियो हेल्पफुल रही है आपके लिए ये भी ज़रूर बताना, हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। एंड एक और बात, अगर आप इसको यूज़ करते हैं, अगर आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी इस तरह की कि ऐसे बना लो, ऐसे ऐसे बना के बड़ा ईजी है, बाल अच्छे हो जाएंगे वो, तो उसको लगाने से पहले आप ये भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि इसको बनाने में और इसको मतलब अप्लाई करने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। आप भी मेरी तरह इरिटेट ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, इसको बनाने से पहले आई होप ये वीडियो आप तक पहुँच जाए कि हाँ आप ये सोचो कि हाँ भाई आज हम भी ये बना के देखते हैं, अपने बालों में अप्लाई करके देखते हैं, उससे पहले मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ग्रेटफुल रहूँगी कि हाँ चलो किसी की तो हेल्प हुई। कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपने ये बनाया तो एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसके साथ, कैसे आपके बालों में इसका रिजल्ट रहा है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ, ऐसी ही वीडियो मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास लाती रहूँगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक रखना अपने ख्याल एंड मिलते हैं फिर, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।